हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल लाइफ कॉर्नर। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आलू गोभी की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दो आलू और गोभी को अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन की 8 से 10 कलियाँ, अदरक, हरी मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, जिसका हम बारीक पेस्ट बनाएंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल लगभग 1 चम्मच के करीब। अब इसमें ऐड करेंगे गोभी। गोभी को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी गोभी फ्राई हो चुकी है। अब इसी में हम आलू भी ऐड करेंगे और उसे भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारे आलू और गोभी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ बाहर। और अब उसी कढ़ाई में लगभग 1 चम्मच के करीब ऑयल मैंने फिर से डाला है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा, तेजपत्ता और काली मिर्च। हींग, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हींग से। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने एक बारीक प्याज कट करके इसमें डाला है। इसमें मैंने ऐड किया जो पेस्ट बनाया था, लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये देगी मिर्च है कलर के लिए, धनिया पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, गरम मसाला, और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मसालों को फ्रेंड्स हमें अच्छे से भुनना है जब तक कि टमाटर अच्छे से ना गल जाए। तो यहाँ पर हमारे मसाले लगभग लगभग पक चुके हैं, टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्राई किया हुआ गोभी और आलू। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। मैंने लगभग इसमें आधा ग्लास के करीब पानी ऐड किया है और इसे ढककर लगभग 5 से 10 मिनट पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, 5 से 10 मिनट हो चुका है और हमारी सब्जी लगभग लगभग बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी गोभी भी अच्छे से पक चुकी है और हमारी चटपटी सी सब्जी आलू गोभी की बिल्कुल बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।